हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम मनीष कौशल है और मैं एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर से रिलेटेड नए नए वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि HTML लैंग्वेज में फ्रेम्स का क्या काम होता है और अपने ब्राउज़र को किस प्रकार से अलग अलग फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि HTML लैंग्वेज में किस प्रकार से इसका कोड लिखा जाएगा। तो इसके लिए सबसे मेन जो टैग है वो होता है फ्रेम सेट। फ्रेम सेट से हम ब्राउज़र को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग रोज़ में, अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है। इसके अंदर हम रोज़ दे सकते हैं, रोज़ इसमें स्टार दिया हुआ है, स्टार कॉमा स्टार, ये उसकी वैल्यू है। तो स्टार का मतलब यहाँ पर यह है कि पूरा जो पार्ट है ब्राउज़र का वो इकट्ठा इसमें चलेगा। तो दो स्टार मतलब दो रोज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। और प्रत्येक रो को कितने कॉलम में डिवाइड करना है इसके लिए भी फ्रेम सेट लिखा हुआ है नीचे। कॉल्स इक्वल टू 300, स्टार मतलब पहला जो 300 पिक्सल पार्ट लेगा पहला कॉलम, और दूसरा कॉलम बाकी रिमेनिंग रूम जितने हैं वो बाकी ले लेगा। दो कॉलम है, पहले कॉलम में फ्रेम SRC इक्वल टू R1.html और दूसरे में R2.html। ये दोनों कॉलम्स में इन फाइल्स को ओपन किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये फाइल्स पहले से होनी चाहिए तभी यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। यदि ये फाइल्स पहले से बनी नहीं है तो डिस्प्ले नहीं होंगी। तो ये एक्चुअली में पहला कॉलम सेट हो गया, पहले कॉलम की दो रोज, दो पहली रो की दो कॉलम्स यहाँ पर आ गए, उन दोनों में वैल्यू आ गई। दूसरा ये है कि फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल टू *30%। तो दो कॉलम दूसरी रो के बनेंगे, दूसरा कॉलम जो है वो 30% लेगा, बाकी जो बचा है वो पहले कॉलम में स्टार ले लेगा। वैल्यू डालने के लिए इसमें फ्रेम SRC इक्वल टू, आगे कोई भी HTML फाइल दी जा सकती है, वेबसाइट दी जा सकती है, इमेज दी सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेबसाइट का नाम www.yahoo.com। यहाँ पर कोई भी वेबसाइट हो सकती है। और ये तो हो गया पहला कॉलम, दूसरे कॉलम में image1.jpg। तो ये इमेज भी पहले आपके पास होनी चाहिए। यदि आपके पास पहले से इमेज नहीं है तो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगी, क्योंकि ब्राउज़र का जो पार्ट हम डिवाइड करेंगे तो अलग अलग, तो वहाँ पर इमेज शो करनी है या वेबसाइट या फिर आपकी HTML फाइल, ये पहले से होनी चाहिए आपके पास। तो इस प्रकार से ये फ्रेम सेट जो है वो दो रोज़ में डिवाइड है, पहली रो के भी दो कॉलम हैं और दूसरी रो के भी दो कॉलम हैं। इसी तरह से पूरी फ्रेम को फ्रेम सेट से फिर से क्लोज करेंगे। ये सबसे पहला है जो रोज़ वाला है। तो इस तरह से ये पूरे टैग दोस्तों ध्यान से देखें। अब इनको रन करके देखिए कि क्या ये इस प्रकार से रन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। किसी भी ब्राउज़र में आप रन कर सकते हैं, जो आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें देखिए यहाँ पर रन होकर के आ गए हैं। ऊपर इसमें चार पार्ट दिखाई दे रहे हैं, ऊपर वाली रो में दो पार्ट हैं, दो कॉलम हैं, नीचे वाली रो में भी दो कॉलम हैं। लेकिन ऊपर देखिए सबसे पहले एक छोटा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है, और नीचे एक बड़ा पार्ट है और दूसरा छोटा पार्ट है। तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने पार्ट उस ब्राउज़र विंडो में बनाते हैं और उसकी कोडिंग किस प्रकार से करते हैं। यदि यहाँ पर देखिए कोई वेबसाइट दी हुई है तो नेट आपका ऑन होना चाहिए। यदि नेट आपका ऑन है तो यहाँ पे देखिए yahoo.com फाइल जो वो खुल जाती, यदि ऑफ है तो नहीं खुलेगा। लेकिन यहाँ पर इमेज आ रही है, ऊपर कोई ना कोई फाइल चल रही है देखिए, तो जो फाइल के नाम वहाँ पर दिए होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, ये जो यहाँ पर पार्ट बनाए हैं इनको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरी रो के तीन कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, तो *30%, स्टार मतलब 30% बीच वाला कॉलम लेगा और बाकी जो बचेंगे वो स्टार मतलब रिमेनिंग जो पार्ट बचेगा वो ** ले लेगा। तो यहाँ पर तीन कॉलम बनाए हैं मैंने, तो तीन आपके पास फाइलें भी होनी चाहिए या कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए कि इन तीन कॉलम में डिस्प्ले करना क्या है। तो यहाँ पर पहले में तो है yahoo.com, दूसरे में image1.jpg और तीसरे में मैं दे देता हूँ google.com।
ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दूसरी रो है उसके तीन पार्ट हैं, तो जो भी यहाँ चेंजेस करें उसको पहले सेव करें और यहाँ आकर के रिफ्रेश कर लें। रिफ्रेश के लिए आपको पता है कि कीबोर्ड से सीधा F5 की प्रेस कर देंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। नीचे वाली रो देखिए, नीचे वाली रो में तीन कॉलम हो गए हैं, बीच वाला पार्ट 30% ले रहा है और बाकी जो 100% में बचा वो दोनों पार्ट ने ले लिया। तो यहाँ पर देखिए google.com है, पहले में yahoo.com खुलेगी, नेट आपका ऑन होता तो ये दोनों यहाँ पर वेबसाइट्स आपकी ओपन हो करके आ जाती। हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कई बार मैंने लिखा स्टार, कई बार लिखा परसेंट और कई बार लिखा हुआ सीधा सीधा नंबर। तो इसका क्या मतलब है? यदि आप स्टार लिखते हैं तो इसका मतलब कि पूरे का पूरा पार्ट जितना भी बचा हुआ है वो पूरे का पूरा पार्ट स्टार साइन जो ले लेगा, चाहे वो रो के लिए हो चाहे वो कॉलम के लिए हो। और यदि आपने कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे ऊपर 300 दिया है, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि 100 दिया मान लिया, तो इसका मतलब ये पिक्सल्स में वैल्यू लेगा, तो 100 पिक्सल जो है वो रिजर्व कर लेगा रो के लिए या कॉलम के लिए जहाँ पर आपने ये लिखा होगा। तो इसी प्रकार से आप जितने पिक्सल देना चाहें उतने दे सकते हैं, बाकी जो बचा हुआ वो स्टार में जा सकता है। लेकिन आप परसेंट साइन का यूज़ भी कर सकते हैं, जो ब्राउज़र विंडो है हाइट उसकी या विड्थ उसकी, उसका कितना परसेंट जो है वो रो या कॉलम के लिए देना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने 20% लिखा तो वो 20% रूम ले लेगा, ऊपर जो मैंने दूसरे कॉलम में लिया 30% लिया तो वो 30% ले लेगा। तो ये मैं यहाँ पर केवल लिखने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसको मैं डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में नहीं आएगा, ये सीधा सीधा डिस्प्ले हो जाएगा टेक्स्ट के रूम में, तो इसलिए यहाँ पर इनको नहीं लिखते हैं, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो ऊपर जो नंबर दिए हुए हैं वो इसके अनुसार दिए हुए हैं, तो स्टार दे सकते हैं, पिक्सल दे सकते हैं, परसेंट साइन दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर वाली जो फ्रेम है उसमें रोज लिखा हुआ है, तो इन रोज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप, कॉलम्स को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हैं। तो जब भी आप चेंज करें उसको सेव करें और रिफ्रेश करें तो यहाँ पर उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है। ऊपर देखिए इस कोड को ध्यान से, कॉलम्स में गए, मैंने पहली रो के तीन कॉलम बना दिए, स्टार कॉमा स्टार कॉमा स्टार, तो मतलब बराबर बराबर एक रो में बराबर बराबर पार्ट आ जाएंगे। तो इसको कॉपी करके तीन कॉलम है तो तीन डेटा वैल्यूज भी होनी चाहिए। तो फ्रेम SRC, SRC का मतलब होता है सोर्स, क्या सोर्स हो, यहां पर देखिए R1 R2 और R3, तो ये तीन फाइलें हैं HTML की जो पहले से बनी होनी चाहिए। फाइल को सेव करें और जैसे ही मैं आकर के यहाँ पर ब्राउजर विंडो में रिफ्रेश करता हूँ तो ऊपर वाली रो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें तीन कॉलम आ जाएंगे और तीनों कॉलम बराबर बराबर रहेंगे क्योंकि आपने वहाँ पे स्टार कॉमा स्टार दिया था, इसलिए ये कॉलम बराबर आएंगे। यदि आप इसमें 10% करते या थोड़ा ज़्यादा करते या पिक्सल देते तो उतनी वैल्यूज जो है उसमें आ जाती, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप किसी दूसरे ब्राउज़र में भी ओपन करके देख सकते हैं, जैसे मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे ओपन करके देखा है तो यहाँ पर भी ऐसा ही आ रहा है। तो ब्राउज़र चाहे कोई भी हो, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है डिस्प्ले करने में, लेकिन इस तरह से आप जो है वो अपनी ब्राउज़र विंडो को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और प्रत्येक पार्ट में एक अलग सोर्स हो सकता है, HTML फाइल हो या फिर इमेज हो या वेबसाइट हो, तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो HTML में इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।